I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. चलो भागो यहां से उधर बाथरूम है चलो मुझे इस हफ्ते की नई वाली मैगजीन चाहिए सुनो एक पिछले हफ्ते की भी देना सुनिए जी क्या है मुझे बाथरूम जाना है जाओ जल्दी होकर आना जा रही है तू बस पहचानने में दिक्कत हो रही थी जी क्या बस नहीं पहचान पा रही हो जरा संभल कर कहीं ऐसा ना हो आगे अपने पति को ना पहचानो तुम चलो चलते हैं तुम्हारे लिए बस खड़ी हुई है मदुरईपुरी का राजा पांड्य महाराजा महाराज की जय हो महाराज की जय हो बहुत हो गई जय जयकार अब अंदर आने की इजाजत दोगी या मैं खुद अंदर आऊं बोलो ऐसा मत कहिए महाराज ये तो आपका ही देश है ये तो आपका ही घर है मैं आपको इजाजत देकर आपसे छत का काम थोड़ा ही ना करवाऊं ज्यादा बात करके मुझे कंफ्यूज मत करो आइए महाराजा आप अंदर आइए अंदर ही तो आ रहा हूँ मैं ए, ये क्या भेष है ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो महाराज के लिए उनकी इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गलती हो गई महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज महाराज आपका यूनिफॉर्म कहाँ गया महाराज बस गहरे महेंद्र ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज हमने दिन रात मेहनत करके आपको जो पैंट शर्ट दिया वो दिख नहीं रहा है इसीलिए पूछ रहे हैं आपके मुंह से इस तरह की भाषा सुनने के बाद हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं ठहरिए महाराज इस तरह भागना आपको शोभा नहीं देता अरे 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 मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या चला गया तूने एक भी मेरी अच्छी फोटो नहीं खींची ऐसे खींचेगा तू मास्टर जी आप इन फोटो में बहुत स्मार्ट लग रहे हो देखिए बच्चे भी कितने खुश लग रहे हैं आप बहुत अच्छा खींचे जब आ गए हो तो बैठ जाओ ऐसे क्यों खींच रहा है मास्टर जी उस फंक्शन में इसने हमारी एक भी फोटो नहीं खींची इसलिए तुमने इस तरह से खींचा क्या बेवकूफ कहीं का यार फोटो में महेंद्र और कोमल की जोड़ी सुंदर लग रही है ना अरे ये तो पूरा सफेद है ए, इधर सफेद ही है पीछे पलट कर देखो फोटो हाँ बेटी बहुत सुंदर लग रही है क्या देख रहे हो स्कूल के फंक्शन में खींचे हुए फोटो हैं अच्छे हैं ना अरे वाह फोटो में मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है ये सब देखने के लिए उसके बेवड़े बाप का नसीब ही नहीं था भैया ये लड़के को देखो ना देखने में किसी राजा के खानदान का लगता है ए बुद्धू गधे को भी ऐसी पोशाक पहनाओगे ना तो वो भी राजा लगेगा आपके सामने किसी को अच्छा नहीं बोल सकते ना क्योंकि आप खुद को राजकुमार समझते हो कुत्ते की पूंछ जितना बड़ा नहीं है और मुझे ताना मारता है चल है पागल कहीं के ओए
जब मैं इस लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दूंगी तब जाकर कहीं मुझे चैन मिलेगा। फोटो में महेंद्र और कोमल की जोड़ी सुंदर लग रही है ना? आज मैं कामशास्त्र के बारे में बताऊंगा। सर ये डायलॉग किस फिल्म का है? फिल्म के डायलॉग के बारे में पूछ रहे हो? ए, मैं कामशास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बिना बात हंस रहे हो। चलो उठो, कामशास्त्र के बारे में बताओ। कामशास्त्र नहीं, जो दूध निकालते उसी के बारे में पता है मुझे। अरे मैं दूध के बारे में नहीं, कामशास्त्र के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो बैठ जाओ बुद्धू कहीं का। अरे बाप रे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करूँ मैं। ए प्रिया, तुम बताओ। मास्टर मुझे दूध निकालना आता है, कामशास्त्र के बारे में नहीं पता है। अरे ये देखो कैसे शर्मा रही है, बैठ जाओ। मास्टर जी मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ। कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि सुहागरात के समय औरत दूध लेकर रूम में जाती है, उसके बाद दोनों वो दूध पीते हैं, यही काम शास्त्र है ना? सही कहा ना सर? एक गधा कहीं का, बैठ जा, बैठ जा, चुप हो जाओ। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा तो जब तुम लोग प्यार करोगे तो प्यार के बारे में कविता कैसे लिखोगे? सुनो सर, क्या है? आप हमको ऐसा वैसा मत तुम समझो। तीस खान हो क्या? मैं एक कविता बोलना चाहता हूँ। मैं इस तरफ, आप उस तरफ, ये बीच में लाइन क्यों? अभी मारूंगा तुझे अभी। मास्टर जी इधर आओ, मैं आपको बोलता हूँ। तो बोलो बेटा। प्यारी मीना, जरा बताना प्यार का ये लेटर तूने लिखा है या मैंने लिखा है? नहीं नहीं, ये पेन ने। देखो देखो, मजाक मस्ती छोड़ो, और मैं काम शास्त्र के बारे में कुछ शब्दों में, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है? माशूक से बिछड़कर माशूका का दिल दर्द से कराह रहा है, और रात में माशूका के ख्वाब में उसका माशूक आता है। माशूका अपने माशूक के ख्यालों में डूब जाती है। जब सुबह माशूका की नींद खुली तो वो चौंक गई। क्यों? क्योंकि वो ख्वाबों में अपने माशूक की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। इस बात से वो बहुत दुखी हो गई। संभल कर, मैंने सोचा था कि आज कोमल पास में बैठेगी तो उसे ये लेटर दे दूंगा, मगर ये बैठ गई है। जब से स्टडी स्टार्ट हुई है तब से महेंद्र मुझे अलग ही नजर से देख रहा है, वो नया सा लग रहा है। हाँ, ऐसा करता हूँ, इसको लेटर दे देता हूँ, ये उसको दे देगी। अरे मुझे लगा था ये कहीं और जाएगी, मगर ये तो इस तरफ जा रही है। कहीं भी जाने दो, आएगी तो वापस इसी रास्ते से ना, तब दे दूंगा। महेंद्र मुझसे लव करता है क्या? पर वो तो स्कूल का लीडर है, अगर वो मुझे प्यार करता है तो खुशी की बात है, फिर वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए। ए महेंद्र, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं टीचर, ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब? लेडीज बाथरूम के बाहर क्यों खड़े हो तुम? जल्दी से अपने क्लास में जाओ, पता नहीं ये लड़के कब सुधरेंगे, जरा सी उम्र हुई नहीं कि बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इधर क्यों खड़ा है? ये सर यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर ये मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहा है? मारेगा क्या? अच्छा
यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आप लेडीज बाथरूम के अंदर क्यों गए थे? वो क्या है, कोई गया है क्या ये देखने के लिए गया था? जाने के लिए बाथरूम है? मतलब बाथरूम का पाइप गया, नल गया, पानी आ रहा है कि नहीं ये देखने के लिए गया था? अगर ऐसा है तो हमारे जेंट्स बाथरूम में कभी पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा ये देखने के लिए आप कभी नहीं गए? सवाल सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ, तुम नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना आप अंदर गए थे ये बात मैं सबको बता दूंगा। अब यही सब सुनना बाकी रह गया था। अरे बाप रे, ये इसको लेटर देने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था क्या? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। ए सनी, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? मास्टर जी, कल मेरे घर में मांस बना था इसलिए। मांस बना था तो तुम स्कूल नहीं आओगे? आज से तुम्हारा नाम सनी नहीं शनी है। इधर आओ, इधर आओ, हाथ आगे करो। चीटिंग कर रहा था। चीटिंग करता है, पीछे मुड़ जा। ये देखो, कल इसने मांस खाया था और मुझे पीछे दिखा रहा है। बेटी कोमल, जरा अपनी बुक दिखाओ। क्या बात है मास्टर जी, बुक हमने भी रखा है, हमारा नहीं देखोगे? ये अच्छी पढ़ने वाली लड़की है इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों चल रही हो? मास्टर जी इतने जोर से मत बोलो, हमारे कान फट जाएंगे। क्यों रे, बहुत मस्ती चढ़ रही है, तुम आओ बेटी। दो। ये पर्ची क्या है? क्यों बेटी कोमल, तुम अच्छी पढ़ने वाली लड़की हो, तुमने बुक में ये पर्ची क्यों रखी हुई है? ये पर्ची है या इसमें कुछ और है? नमस्ते सर। आओ आओ अमीबा, कैसी हो तुम? क्या सर, अमीबा कह के बुलाएंगे? अरे तुम साइंस की क्लास जो ले रही हो इसलिए ऐसा बोला था मैंने। क्या किसी को MBBS की सीट मिली है? अरे अभी कहाँ मिली है, लाखों खर्च करने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं, वो तो बस हमको घुमाए जा रहे हैं। मिनिस्टर की सिफारिश होगी तो जल्दी हो जाएगा। क्या रिकमेंडेशन, वो हमें बस घुमाए जा रहे हैं। अरे बड़े लोगों को क्यों नहीं घुमाते हैं, हम जैसे लोगों को सीट नहीं मिलती है। कभी 10 लाख मांगते हैं तो कभी 20 लाख मांगते हैं। ये देखो, अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की थी और अपना पीरियड खत्म भी हो गया। आपने क्लास भी शुरू नहीं किया और मैं क्लासरूम में नहीं गई और पीरियड खत्म हो गया, देखिए ना सर। कोमल आओ, अपनी किताब लेकर जाओ। दीदी मैं इतना मन लगा कर पढ़ता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ। और मन लगा के पढ़ो, पास हो जाओगे। चले मैं अपनी दीदी के साथ आऊंगा। दीदी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तो उसके साथ जा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मुझे एक नंबर जाना है, समझता क्यों नहीं? आप करके आओ ना, मैं इधर ही हूँ। अरे बाप रे, शेल्वी क्या हुआ, इसको अपने साथ लेके जाओ। तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम्हारे साथ आना चाहता है तो तुम मना क्यों कर रही हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसको अपने साथ लेकर जाओ। सब पता है, महेंद्र ने जो लेटर दिया है वो पढ़ना है ना। ए तो मेरे साथ चल, वो बाद में आ जाएगी, हम लोग बात करते करते निकलते हैं। मेरी प्यारी कोमल, मैं हूँ तुम्हारा महेंद्र। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस लेटर को लिखते हुए मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। परीक्षा में कई पेपर्स हम सिर्फ एक घंटे में लिखकर पूरे कर देते हैं, लेकिन इस लेटर को लिखने में मेरी पूरी रात गुजर गई। तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमको ही देखता रहता हूँ। कोमल, तुम्हें देखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोमल, आई रियली लव यू, आई लव यू वेरी मच। अगर तुम्हें मेरा लेटर अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, और इस लेटर को पढ़कर फाड़ देना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा महेंद्र। जा रे बुद्धू, तुमने रात भर जाकर ये लेटर लिखा है, मैं इसे कैसे फाड़ सकती हूँ? चल नहीं फाड़ूंगी, लेकिन अगर इसे घर पर रखूंगी तो मामा देख लेगा। कहाँ रखो इसे? ये सही जगह है, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। हाँ, फसल काटने से पहले ये जगह बदल दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। 1, 2
ये आज बराबर फंसेगी। ए महेंद्र, हाँ? आज मैं टिफिन लेकर नहीं आया, अपना टिफिन देना। अरे रे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये ले। ए महेंद्र, इसे मत देना। तुम अपना टिफिन नहीं लेकर आए तो इसका टिफिन खाओगे क्या? ये गलत बात है वीरू। ए, रो क्यों रही हो? फंस जाओगी, ये सोचकर रो रही हो क्या? अरे बुद्धू, बहुत तीखा है, ये छोड़ो, ये बहुत खास बात है। ये मुझे भी पता है, मुझे तो भूख लगी है। ए, छोड़, मैं नहीं दे सकती। आज तो तू इसका टिफिन मांग रहा है भुक्कड़ कहीं का, कल मुझसे मांगेगा है ना, और परसों टीचर का टिफिन लेकर खा लेगा बेशरम कहीं का। ए, ये इतना बोल रही है और तू खामोश बैठा हुआ है, कैसा दोस्त है तू? ए कोमल, इसको टिफिन दे दे चल। तुम बीच में दखल मत दो महेंद्र, ये मेरा और वीरू का मामला है, इसीलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। मैं बीच में दखल क्यों ना दूं? टिफिन तो मेरा है ना, चल दे उसको। टिफिन बॉक्स तुम्हारा है, पर मामला कुछ और है। ए, जिद क्यों कर रही हो, टिफिन मुझे दो। नहीं दूंगी, क्या करेगा? नमस्ते, नमस्ते, तो बताता हूँ। तुम कैसे खाते हो मैं भी देखती हूँ, बताती हूँ तुम्हें अभी। नमस्ते सर। इधर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? आज यहाँ रोज की तरह झगड़ा चल रहा है सर। क्या रे, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और तू झगड़े की बात कर रहा है, तेरी तो। आज कौन सा काम शास्त्र पढ़ाएंगे? कोमल, तुम खड़ी हो जाओ और यहाँ क्या हो रहा था जरा खुल के बताओ। नहीं, मही का टिफिन वीरू खाना चाहता था और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने भी मांगा, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। हाँ? इसने तो बात ही बदल दी। तुम दोनों इसके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, ऐसा खाने में क्या लेकर आया ये? लेकर आओ, देखो तो सही। अच्छा हुआ फंस गई। अरे दो भी खाने के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ जो तुम्हारा इतना हाथ कांप रहा है। है? ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे अचार की कटोरी को किसी जानवर ने चाट लिया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा है कि ये बात मेरे बोलने से पहले तुमने मुझे बोल दी। इस लेटर को पढ़कर तुरंत फाड़ देना। तुम्हारा लेटर पढ़ते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने एक दूसरा जन्म लिया है। मेरा भी यही हाल है, अब इसे कहाँ रखूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। बेवकूफ, बेवकूफ कहीं का। इनका उज्जवल भविष्य चाहता हूँ और ये मर्डर गस्ती करते रहते हैं। सर आ गए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते, बैठ जाओ। देखो आज कितनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि परीक्षा का पेपर करेक्शन करके लाया हूँ ना, इसीलिए। हाँ, पहला कौन है? सनी, खड़े हो जाओ तुम। पब्लिक परीक्षा में अगर इसी तरह से लिखोगे तो पेपर में नाम नहीं आएगा तुम्हारा। कोई बात नहीं सर। ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे एडवर्टाइज बिल्कुल पसंद नहीं है सर। बिल्कुल कहीं का, फेल होने के बाद भी किस तरह की बातें कर रहा है और पढ़ाई में जीरो है। प्रेम, ये देखो परीक्षा के पेपर्स के साथ गाइड भी भेजा है। क्या बात है भाई, ये गाइड किस लिए? सर, आपने जो सवाल पूछा है वो सारे सवाल जब इसमें है, फिर क्यों लिखकर खाली फोकट टाइम वेस्ट करना है? काम करता हूँ मैं, चार भैंस खरीद के देता हूँ। संभाल रहा हूँ, पेपर जुबान कैसे लड़ाते हैं ये। अगला कौन है? पूर्वी, क्यों बेटा? सवाल पूछा गया है और जवाब में तुमने खाली छोड़ दिया। पढ़ाई करके जिंदगी खराब करने से अच्छा मैं इडली बेचकर जी लूं। हां, पहले तुम ठीक से इडली बनाना तो सीख लो, बातें ही करती रहोगी क्या? इडली हम लोग अच्छा बनाते हैं, उधार खाने मत आ जाना। हां, उधार दिए बिना तू वहाँ दुकान कैसे चलाएगी? बैठ जा, बैठ जा, बात करती रहती है। ए, तू एक काम कर, ये सबको जाकर बांट दे, मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। इसे जब देखो ये हमेशा ही लेट हो जाती है। इसे बच्चे को दूध पिलाकर आना होता है ना, इसलिए। अरे देखो गाड़ी कहाँ लाकर रोक रहा है। ए, तुम्हारे माँ बाप को अकल नहीं है क्या? जब भी अपना पैसा लेने आता हूँ देखता हूँ तुम्हारे घर पे ताला ही लगा रहता है। कह देता हूँ मैं देखने में बहुत डिसेंट हूँ लेकिन बहुत खतरनाक आदमी हूँ। सच को मानने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती देखना है। एक दिन मैं अपने सारे आदमी को लाकर तुम्हारे घर के सामने बैठ जाऊंगा और पैसा लेकर ही जाऊंगा, और पैसा नहीं दिया तो तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। ए, मैंने तुमसे उधार नहीं लिया, मेरे माँ बाप ने लिया है, उनसे जाकर बात करो, समझे? ये देखो शरीफ लड़की को गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे खानदान का दुश्मन हूँ, बोल रही है। चल अपने बाप को बता देना, हाँ पैसे लेने आऊंगा। अरे तू क्या कहना चाहती थी? अरे मैं कैसे बोलूँ, बात बोलूँगी तो इज्जत निकल जाएगी। अरे ऐसे ही बता दो, ये बातें अपने ही बीच रहेंगी। मेरा बड़ा भाई है ना। हाँ, बोलो 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 बोलो, बोलना। उनकी तो नई नई शादी हुई है ना? हाँ हाँ, तो क्या हुआ बोलो ना। अरे तुझे पता नहीं है, पढ़ने भी नहीं देते, इतना परेशान करके रखा है। जरा खुल के बोलना। अरे तुझे क्या बताऊँ मेरी परेशानी। और बताना क्या हुआ।
अरे रात के 8 बजते ही मेरे भाई और भाभी धूप में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीने देते। और बताना क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, पूरे मोहल्ले को सुनाई दे ऐसा चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। जी प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा है, ये लोग तो मुझे पागल बना के छोड़ देंगे। अरे महेंद्र आ रहा है। तुम लोगों की बातों का तो जवाब नहीं। अब ये कहाँ से आया? ए महेंद्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी बातें अच्छी लग रही थी इसलिए छुप कर सुन रहा था। अरे सारी बातें सुन ली क्या? हाँ मैंने सुन ली और मुझे एक अच्छी कहानी भी मिल गई। अरे बाप रे, तुम बहुत बिगड़ गए हो महेंद्र, ऐसे कौन बोलता है? अरे भागो भागो, बारिश आ रही है, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे लकड़ियाँ हो गया, लकड़ियाँ भीग रही है। चलो, अरे बारिश हो रही है, कोमल को भी आने दे, चल चल जल्दी। बारिश तो कितनी तेज हो गई है, अभी घर कैसे जाएंगे? इसे उठाने में मेरी मदद कर दो ना। तुमको भी उठा लेता हूँ। अच्छा अगर ये लकड़ी तुम मेरे घर पे लेकर आए ना तो चूल्हे पे लकड़ी नहीं तुम्हें बिठा देंगे। ठीक है तुम इतना परेशान मत हो, चलो इसे उठाओ। आओ जा रहे। अरे मुझे अकेले खेलना पड़ेगा क्या? अच्छा चलो देखते हैं, ये बारिश भी क्या है, शरीर की सारी गर्मी निकाल दिया। वो बारिश इधर गांव में आने के लिए डर रहा है क्या? वो ये सब काम क्यों कर रहा है बेटा? अगर पैर में कहीं कांटे वांटे चुभ गए तो तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बारिश में भीग गया। क्या हुआ? भाभी मुझे थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी सी छाछ बनाकर दो ना, तभी मैं ठीक से खेल पाऊंगा, नहीं तो मुझसे नहीं होगा। जल्दी लेके आओ ना। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें बाजार जाने के लिए कहा था तो बाजार नहीं जा सकता, इधर बैठकर सिर्फ पॉकेट में खाते रहता है, और ऊपर से छाछ चाहिए छाछ। रुक मैं तुझे बताती हूँ, रुक रुक, गधा हो गया है। भाभी रुको, मैं कर रहा हूँ ना। गाड़ी उठा और बाहर जाके जितनी लकड़ी है उसे काट। मैं तुम्हारा देवर हूँ, मुझे भी इज्जत दिया करो ना। जैसा कहा है वैसा कर। हम लोग जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगे ना तो पूरा जंगल साफ हो जाएगा, ये सब सोच कर ही मैं हमेशा घर पर रहता हूँ। देखो जुबान लड़ाता रहता है, थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लिया करो। चाचा जी मुझे दो, मैं सोच रहा था। हाँ ये पकड़ लो, और वैसे भी काम धंधे के नाम से मैं डरता हूँ, अगर मैं काम करने लगा तो मेरे शरीर का क्या होगा? किसी ने काम करने के लिए जबरदस्ती की तो जगह छोड़कर चला जाऊंगा। कोमल ने नाजुक नाजुक हाथों से इस लकड़ी को काटा है, इसे मुझे भी काटना होगा। क्या महेंद्र, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं आता है ना? बताओ ना। इसका नाम है भूत का मंडप। हाँ? यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसे भूत का मंडप क्यों कहते हैं? एक बार एक आदमी ने इस गांव में एक बच्चे को पैदा किया, उसके 26 दांत थे और 26 हाथ भी। दिखने में बहुत डरावना था, गांव के लिए वो एक खतरा बन गया था, इसलिए गाँव वालों ने मिलकर उस बच्चे को पत्थर से मारकर यहीं पे दफना दिया। तब से यहाँ कोई नहीं आता जाता, और गलती से आ गया तो कभी बाहर नहीं जा पाता है। यहाँ से बस पकड़ो और फिर बढ़कर नाका जाओ, वहाँ पे कोने में एक लड़का खड़ा होगा, उसको ये कहानी सुनाओ, भरोसा कर लेगा, मैं नहीं। सच कह रहा हूँ कोमल, उस बच्चे की हंसने की आवाजें मुझे आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। तुमको भी सुनाई देगी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तुमको सुनाई नहीं दे रही है। सच बोल रहे हो क्या? अरे नहीं रे बेवकूफ, हम जैसे लोग यहाँ पर मिल सके इसलिए ये सारी अफवाहें फैलाई गई हैं बस, और लोगों ने इसे सच मान लिया है। अरे अच्छा रूम है, आ जा रूम। हाँ यही रूम है। अरे देख रहे, कोई नए दो लोग आए हैं।
आ जा, यही घर लिया हुआ है, महीने का 2500 रुपया और 20,000 एडवांस। घर कैसा है? एडवांस दे चुका हूँ। हाउस उन्होंने कहा है ये लैंडलाइन है, इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम दोनों साथ में रहेंगे ये सोचकर मैं अपना सारा सामान यहाँ पर ले आया हूँ। और कल अच्छा दिन था इसलिए दूध भी उबाल दिया है। क्या रे, मैं कब से बातें कर रहा हूँ और तू खामोश बैठा है? अब मैं तेरे लिए गैर हो गया हूँ ना? ऐसी बातें मत कर यार तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल बस में आते समय मैंने कोमल को देखा, एक साल या दो साल बाद नहीं, पूरे 10 सालों के बाद देखा यार। क्या बकरा है तू, कोमल को देखा, उसने तुझे बेवकूफ बना दिया और तू है कि अभी तक उसकी यादों में खोया हुआ है। बस कर यार, तेरी जिंदगी पहले से ही बहुत उलझी हुई है, पहले की बातों को याद करके अपना समय बर्बाद मत कर। उन सब बातों को छोड़कर तू पढ़ लिख कर एक जर्नलिस्ट बन गया है, तेरी पढ़ाई की वजह से तुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई है। पुरानी बातों को याद करके तू कंफ्यूज मत हो। नहीं यार, मैं उसे भूलने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर वो सामने आ गई तो दिल नहीं मान रहा है। वो सब छोड़ो, उसके सामने कुछ बनकर दिखाओ। अच्छा ठीक है ना, तू तो मेरे बारे में जानता है ना। तुम्हें ऑफिस कितने बजे जाना है? 10 बजे जाना है। ठीक है, नहाने के बाद जाना। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. मेरा नाम महेंद्र है। Oh, welcome, welcome. Please sit down. Thank you, sir. घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो आज तुम join कर रहे हो ना? हाँ, sir, आज से। Very good. All the Thank best. Thank you, sir. Sorry, sir. कोई बात नहीं मानव, आकर बैठो। महेंद्र, ये मानव है, अपनी पत्रिका में आर्टिस्ट है और ये महेंद्र है, आज से हमारी पत्रिका में सब एडिटर है। मुबारक हो सर। हेलो। सर, कोई खास बात है क्या? हाँ मानव, परीन पट्टू के लोग हैं, हमेशा की तरह इस बार भी झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा है क्या सर? जय कुमार भी आज लीव पे है, ऐसे समय में महेंद्र सर, तुम्हारे लिए हिम्मत का काम है, तुम जाओगे क्या? हाँ सर, मैं जाऊंगा। ए सुन सुन, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है। मट्टू पट्टी यहाँ से कितने किलोमीटर होगा गोपी? यहाँ से 200 किलोमीटर होगा सर। तुम बैचलर हो या फैमिली वाले? मेरे दो बच्चे हैं और मैं परिवार में मुख्य हूँ सर। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इस बात से कोई डर है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, उन लोगों का गुस्सा हम लोगों पर नहीं है बल्कि खुद के लोगों पर है। हाँ। कभी कभी इंसान को झगड़ने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती, झगड़ा अपने आप हो जाता है। दो गांव खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अरे अरुण, तुम आओ बैठो ना। बैठने नहीं आए, पैसे दो। अरे अरुण, अगले हफ्ते दे दूंगी ना पैसे। क्या भाभी, पिछले 3-4 सप्ताह का पहले से बाकी है। मैं क्या करूं अरुण, वो बावड़ी के काम पर गए थे, वहाँ गिरकर पैर टूट गया, बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे मालूम है, अगर वो अच्छा भी होता तो मेरा पैसा टाइम पे कहाँ मिलता है। अच्छा, वो डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर तो कहते हैं कि वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आसपास के लोग यही कहते हैं कि बुढ़ापे की हड्डी है, वो जल्दी नहीं सही हो गया। अरुण, मैं क्या करूं? रो मत भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो ठीक होकर आ भी गए तो क्या काम करेंगे ऐसे में? पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं मर गया हूं क्या? कभी जबरदस्ती की है मैंने?
जाओ भाभी अंदर जाओ और रसीद लेकर के आओ, मैं देख लेता हूँ पैसे कितने लिखे हैं। लाती हूँ, तुम यहीं रुको। ये क्या अरुण, मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए कहा था। वो क्या है भाभी, मैं आपकी सारी समस्या संभाल लेता हूँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ। तेरे पैसे के लिए मैं गंदा काम करूंगी, ऐसा सोचा है क्या? इज्जत से कह रही हूँ बाहर चला जा अभी। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। बाहर कह रही हूँ ना मैं कह रही हूँ। लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। बाहर जा, मैं कह रही हूँ चला जा। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? अलमारी का ये क्या है तू? और यहाँ पर आकर इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? अलमारी चल, तू पागल हो गया क्या? घर में कोई औरत नहीं, फायदा उठाना चाहता है? निकल यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा। तू है कौन? हमारे गांव में आके औरतों को छेड़ेगा तू? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम बाहर खड़े होकर भी मांग सकते हो। देख क्या रहे हो, ऐसे आदमी को तो झाड़ू से मारेंगे तभी इज्जत निकाले आएगी। तू जा इधर से, शरीफ औरत के ऊपर बुरी नजर डालता है तू? हमारे इस गांव में आके शक्ल दिखाना, औरत पे बुरी नजर डालता है? जाओ यहाँ से, दोबारा अगर इस गांव में दिखे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, समझा? ए देख क्या रहा है, पत्ता डाल। ए ले जोकर डाला। उस गांव में मेरा पूरा 5 लाख रुपया फंसा हुआ है। अरे पैसे तो छोड़, तेरी इज्जत गई वो अलग से। पैसा फेंको तो सिनेमा के हीरोइन जैसी लड़कियां मिल जाती है, और तुम्हें रंभा या उर्वशी दिख गई उस औरत में है? अगर दोबारा ऐसा मूड बन जाए तो हम लोगों को भी अपने साथ लेके जाना है। छोड़ूंगा नहीं। है रास्ते पर तुम परेशान कर रहे हो, सीधे से चलने को नहीं होता क्या? ये भी कोई बकरा है लगता है, मैं अपने पैसे डुबा कर चला आया। ए भाई, अरे यार पत्ते ठीक से बांटो ना। अरे तुम लोग कितना तकलीफ दे रहे हो, घर चलो, तुम्हें काट कर खा जाता हूं। इज्जत से कह रहा हूं, सीधे चले चलो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे तुम्हारे रास्ता कहाँ काटा है? मुझे ये बकरा दे दो, मुझे खाना है। इज्जत में रहकर बात करो। तुमने अपने गांव में मेरी बेइज्जती की थी, तेरी क्या इज्जत है रे? जो बात खत्म हो गई है उसे फिर से शुरू मत करो, ये ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक नहीं रहेगा? क्या मैं बताता हूँ, हमारे गांव के कौओं के लिए एक सत्ता का भोजन तेरी लाश होती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे जान से मारूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे ये तो अरुण के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं, चलो। अरे ये तो मर गया रे, अब क्या होगा? वो देखो वो जा रहा है, लगता उसी ने मारा है। चलो जाकर उसको पकड़ते हैं, चलो। तूने हमारे दोस्त को मार डाला। रुक,
हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं। अरे साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो साहब। भाभी, ओ भाभी, सुनती हो क्या? आपके स्त्री के कपड़े लाई थी भाभी, अब इसे कौन पहनेगा? बेटा तुम लोग? हम प्रेस से आए हैं। यहाँ क्यों आए हो? हम लोग झगड़ा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उसे शांत करने को आए हैं। झगड़ा बढ़ाने आए हो? तुम लोग शांत हो जाओगे तो हम लोग भी शांत हो जाएंगे। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम लोग मिलजुल कर आपस में रहें। सुनो मेरी बात, तो ये वो जो तुम घर देख रहे हो ना, वो 600 साल पहले दो भाइयों के ही हुआ करते थे। दोनों भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया और उस झगड़े में एक भाई मर गया। तभी से इस गांव को श्राप है कि अगर यहाँ कोई भी पानी मांगेगा तो गांव का कोई भी आदमी उसको पानी नहीं देगा। ऐसे में हम लोग किसी को कुछ भी नहीं देने वाले। वो इसलिए क्योंकि जो पानी पीता है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं होता, पर जो उसको पानी देता है उसके लिए तो मुसीबत हो जाती है। सालों से इस गांव में ऐसा ही होता आ रहा है। आप आपस में मिलते नहीं है, यही तो इस गांव की समस्या है। आप सब आपस में एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हो, तो ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? अगर हम लोग साथ में जाएंगे तो भगवान हमारी बात सुन भी ले, लेकिन हम लोग अगर अलग अलग जाएंगे तो भगवान हमारी पूजा कबूल कैसे करेंगे? अभी आपने खुद कबूल किया ना कि अलग अलग जाएंगे तो भगवान भी खुश नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अब तक नहीं हुआ है वो अब कैसे मुमकिन होगा? नामुमकिन कुछ नहीं है, एक बार ठान ले तो सब कुछ मुमकिन है। आपके गाँव में जरूर कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो आप सब लोगों को भगवान के नाम पर भड़का रहा है। ए, तुम लोग कुछ भी पेपर में छाप दोगे क्या? तुम लोग जो पेपर में छापोगे लोग उसे पढ़ेंगे तो हमारे गांव के बारे में क्या सोचेंगे कि इस दुनिया में ऐसे भी जंगली लोग रहते हैं? पेपर बेच करके तुम्हारा तो लाभ होगा लेकिन नुकसान तो हमारा होगा ना। ए महेंद्र, एक बात पूछूं क्या? अरे यार, आज गांव वालों ने मुझे वैसे भी बहुत परेशान किया है, अब तू मुझे फालतू में परेशान मत कर। तू भी ना यार ऐसी बातें करता है, परेशानी को हमेशा साथ में लेकर घूमता है। क्या बोल रहा है तू? तू जब ऑफिस जाने के लिए सुबह निकला तो थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा कि तू वापस आया होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा नाम काशीराम है, मैं आपके पड़ोस में रहने के लिए आया हूँ। शादी हुए 10 साल हो गए, अब तक हमारा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम लोग मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। अभी हम लोग रामेश्वरम से आ रहे हैं, वो नीचे बताया कि हाउस ओनर आपको चाबी देकर गए हैं, वही लेने के लिए आए हैं। जरा चाबी दे दीजिए ना। तुझे इस तरह घूर के देख रहा था जैसे तुझे अभी पटा लेगा ये। दीजिए सर। चलो क्यों तुम उसे एकटक घूर कर देख रही थी? पड़ोस में कोई जवान लड़का रहने लगता तो मुझे डर लगने लगता है। कब तक मैं तुम्हारा वॉचमैन की तरह काम करता रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चल अंदर आओ। क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूं मैं,
अब क्या करें हम? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो एडवांस दिया था उसे मिलने में 3 महीने लग जाएंगे। देखिए यार, तू चिंता मत कर, हम अनजान बनकर रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। महेंद्र, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस 3 महीने की बात है ना, फिर हम लोग दूसरा घर देख लेंगे। ठीक है ठीक है, आप ठीक है, संभल कर रहना, मैं दोपहर में खाना खाने के लिए आऊंगा, चलता हूँ। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी, वीरू, वीरू, महेंद्र, 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 बेटा माँ को ज्यादा तंग मत करना, टाइम पे स्कूल जाना, ठीक है? मैं तुमसे रात में बात करूंगा, रखता हूँ। कोमल, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, तुम्हारी वजह से उसका दिल टूटा है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। मैं उसे बहुत तकलीफ दे रही हूँ, ऐसा महेंद्र ने कहा क्या? ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सोच रहा है कि बेकार की समस्या क्यों खड़ी हो। हर एक दिन, हर पल, सुबह से शाम और रात से सुबह तक मैं हमेशा उसके बारे में सोचती रहती थी कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, खाना खाया या नहीं, ये सोचते हुए मैंने अपने 10 साल गुजारे। बेकार की कहानी मुझे मत सुनाओ, मैं सब समझता हूँ। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो वीरू, अगर उसको तकलीफ है तो मुझे भी तकलीफ है। वो अभी जीने की कोशिश कर रहा है, उसे फिर से याद मत दिलाओ। आजकल धंधा बहुत मंदा चल रहा है, लगता है लोग रात में ठीक से खा पी नहीं रहे, जब लोग ठीक से खाएंगे पिएंगे तभी तो मेरा गल्ला भरेगा। आओ बहन जी। हाँ भाई, हो गया? कितना? 3 रुपए दो। 3 रुपए हुए, जाओ। भैया जरा इसका ध्यान रखना। ठीक है, कितना पैसा? 1 नंबर जाना है, 2 नंबर? 2 नंबर, 3 रुपए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना काम करो, ठीक से फ्लश करना। ठीक है, करूंगा। अरे भैया, इसमें एक खंजर रखा था, वो दिखाई नहीं देता है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, तो इसीलिए मैं किसी के सामान गारंटी नहीं लेता हूँ। अभी इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हें? इसमें से एक भी गायब हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ए, तुम कहना चाहते हो खंजर मैंने निकाला है? मैंने सामान यहाँ रखा था, यहाँ से कहाँ गायब हो जाएगा? मैं चुप हूँ तो तुम कुछ भी बोलोगे? मैंने इसमें 10 लाख रुपए लगाया और तुम मुझे चोर कह रहे हो? नहीं भैया, यहाँ सामान रखा था तो यहाँ से कौन लेके जाएगा? तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने उसे लिया है? ए, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा सामान चुराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया। ए, सामान संभाल के बात कर, इस तरह की बात करेगा ना तो तेरा गला काट दूंगा, चल जा यहाँ से। इसके भरोसे रखा और इसने ही गद्दारी किया। लगता है चेन्नई के कुछ शहरों में बारिश होगी, वो हम जैसे लोगों की वजह से होगी। मुझ पर शक कर रहा है? कहीं बारिश हो या न हो, पर तेरे घर पर बिजली जरूर गिरेगी। चोरी करने में मुझसे ज्यादा कोई होशियार हो सकता है क्या? सर, सर, कौन है?
नमस्कार सर, मेरा नाम काशी है, आपके पड़ोस में रहता हूँ ना सर। भाई वेस्ट में अपना एक सुलभ शौचालय है ना, एक बार और आया था आप नहीं थे इसलिए सोचा कि आपसे मिल लूं। देखिए मैं तो एक अखबार के लिए काम करता हूँ। जानता हूँ कि आप अखबार में काम करते हैं इसीलिए आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं हर सप्ताह आपका अखबार लेकर पढ़ता हूँ। ऐसा है क्या? आपके अखबार में जो कहानियाँ तरह तरह के न्यूज छपते हैं ना, आर्टिकल में पैसे कैसे कमाना है वो पढ़ता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ अखबार। ये पागल है क्या? सर मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप कौन से गांव से हो, आप हमें बता सकते हैं, मैं आपके घर खाना खाने नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे फोन अटेंड करना है। कोई बात नहीं सर, आप बिजी आदमी हो। सर मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, बाद में आकर के मिल लूंगा। ओके कोई बात नहीं, चलता हूँ सर। बेटा मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? वीरू कैसा है बेटा? हम दोनों बहुत अच्छे हैं। पापा कैसे हैं माँ? पिताजी अच्छे हैं बेटा। वो गांव में बड़ा त्योहार है तो वो मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं बेटा। त्योहार को सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, तुम कब आओगे? माँ मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम है। हमारे गाँव में ये सबसे बड़ा त्योहार होता है, तुम्हारे बिना हम कैसे मनाएंगे त्योहार? थोड़ा टाइम निकाल के आ जाओ ना। माँ तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा वीरू तो आएगा ना? जरूर भेज दूंगा माँ। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। अरे सरिता की माँ, ये ठीक रखा है ना? ठीक है, डालो, अच्छे से डालो। हाँ बस हो गया। हाँ बस बस। सुनिए जी, आप खाना अंदर भी खा सकते हैं ना, बाहर इस तरह से खाना खाना अच्छा है क्या? अंदर बैठ कर खाना खाऊंगा तो बाहर का काम तेरा बाप करेगा क्या पागल? आज इस उपवास के दिन आप घर के अंदर आकर खाना खा सकते थे ना। क्या बात कर रही है, ऐसी जगह पर तू खाना लाकर मुझे खिला रही है, ये मेरे लिए फक्र की बात है। बाकी के दिन तो पीकर लुढ़क जाते हो ना। अपनी जबान बंद कर, मेरी धोती फाड़ के मुझे साड़ी पहना देगी? ऐसा मैंने क्या कह दिया जी? काट डालूंगा, चुप रह। ये लो। ये तो 2 रुपए, 3 रुपए दो। 3 रुपए क्यों? मैंने सिर्फ पेशाब किया है। तुमने पेशाब किया है लैट्रिन के, मैंने देखा है क्या? 3 रुपए दो। भाई मैंने सिर्फ पेशाब ही किया है। 3 रुपए दे रहे हो क्या? 2 ही रुपए है ना। तुमने पेशाब किया या लैट्रिन की है, मैं तुम्हारा हाथ चेक करता हूँ। ये लो 1 रुपया। बुड्ढा पागल हो गया। चल चल, ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहना पड़ता है, ये तो चूना लगा कर चले जाते हैं। क्या जी, ऐसे कौन चेक करता है? तू, ये तो मेरा धंधा है, मैं इसको चेक नहीं करूंगा तो तू घर में क्या करती है, ये चेक करूं क्या? मेरी तो जिंदगी का सत्यानाश कर दिया इसने, ऊपर परेशान करने आ गई। बाहर जो चेयर पड़ी है उसको अंदर रख दो और दरवाजा बंद कर दो। पहले इसको ठीक करना होगा, तभी ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। आप ये बाथरूम क्यों बंद कर रहे हैं? जब तक वो सवाल करती रहती है। चलो गाड़ी में बैठो। सही से किक मारना, सेकंड हैंड है क्या ये? अपना मुंह बंद कर, अपने रास्ते में जा, बड़ा है बताने वाला। आ जाओ बैठो। मुझे ठीक से पकड़ लो।
में अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। चलो इस ऑफिस में रुक जाते हैं। आ जा। यहाँ क्यों? अरे हमारे पड़ोस में जो रहता है ना, वो उसी के ऑफिस में काम करता है। चलो चलते हैं। नहीं नहीं आप जाओ। ए, मैं कह रहा हूँ ना चलो, कोई दिक्कत है क्या? किससे मिलना है भाई? महेंद्र भाई से मिलना है। आप कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ। महेंद्र की बीवी हो? ये मेरी बीवी है। चल रहे। इन दोनों की जोड़ी तो ठीक नहीं लग रही। ये लीजिए सर, पूछ लीजिए, आप लोग बहुत भींग गए। ठीक है सर। आप पहली बार ऑफिस में आए हैं, कुछ लेंगे? चाय कॉफी वगैरह? नहीं रहने दीजिए सर, चलेगा। कोल्ड ड्रिंक? नहीं सर रहने दीजिए। अजी कुछ तो लीजिए ना। ठीक है सर, चाय चल जाएगी। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। हाँ सर। एक चाय लाना। लेके आता हूँ सर। आप लोग जरा आराम से बैठिए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है सर। सर सर आपकी चाय, मैडम आपकी कॉफी। चाय कैसी लगी? अच्छा वो लोग क्या हुआ? अरे बाहर इतनी बारिश हो रही है, ऐसे में आप दोनों कैसे जाएंगे? अगर मैं रुक गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये रखो। चलो उतरो, तुम यहाँ से घर चले जाओ। कोमल तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है, उसको कैसे पता चला? देखो कैसे दरवाजा खोलकर सो रही है। आओ ना यहाँ आकर बैठो। जरा दूर हटकर बैठो, चिपक कर बैठोगे तो घर में बच्चे को रोने की आवाज आएगी क्या? चलो 50-50 पैसे अलग करो। आप इतना गुस्सा क्यों करते हो जी? बच्चा होगा क्या तभी प्यार करोगे? ए चुप रहो, पहले ही वो अखबार वाले के बारे में सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप क्या लेंगे ऐसा उसने मुझसे 100 बार पूछा। उसने चाय लाने को कहा, तुमसे बिना पूछे कॉफी मंगवा लिया उसने। कैसे ये बारिश क्यों आई? मैं क्यों उसके ऑफिस में गया? ये सब सोच कर मेरा सर चकरा रहा है। इसमें कितना गिना था? पता नहीं। अच्छा मैंने कितना गिना? ए भगवान, मैंने अब तक जो गिना वो सब बेकार हो गया। चलो इसको पकड़ो। बिना पूछे कैसे पता चला तुम कॉफी पीती हो? सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी कॉफी मंगवाया। एक चाय दो कॉफी। तू उसके बारे में जानती है क्या? है? नहीं। हे भगवान। सुनिए सुनिए ना, चाय बना कर लाऊं क्या? एक थप्पड़ खींच कर मारूंगा। अच्छे से इनको खाना दो। बस हो गया माँ जी। ठीक से खा बेटा।
लो बेटा ये खाओ। पिताजी हो गया, मत डालिए। अच्छे से खाओ, अरे मेरी उम्र हो गई है, तुम जवान हो, ठीक से खाओ। माजी हो गया। दो से ज्यादा खिलाओ। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ यही मिलता है। तुम वहाँ काम भी करते हो या सिर्फ खाते पीते हो? मतलब माँ के बनाए हुए खाने का स्वाद नहीं मिलता है। महेंद्र आता तो कितना अच्छा होता। चलो तुम तो खाओ खाओ। अरे अच्छे से खाना चाहिए ना, पेट भर के खाना खाना चाहिए, समझे? पेट भर के ही तो खाया है, बस हो गया। ठीक है पिताजी, हम चलते हैं। संभल कर जाना। और बहनों, आपको तो पता ही होगा पूजा का समय है 10 बजे। किसी और की चप्पल मत पहन लेना। सुनो बच्चों, चलो चलते हैं, आ जाओ आ जाओ, नाटक भी होगा, जल्दी जल्दी। सुनो, बाहर रोड पर लड़के हुड़दंग मचा रहे होंगे, तुम लोग संभल कर जाना। ठीक है पिता, ठीक है, संभल कर जाना। सभी जनता से निवेदन है, कृपया गेट नंबर 1 से अंदर आए और गेट नंबर 2 से बाहर जाए। धन्यवाद। ए, मुझे भी तो भर के दे। रुको, क्या चाहिए तुम्हें बच्चा? पहले मैंने कपड़े का व्यापार शुरू किया, नुकसान हुआ। उसके बाद कपड़े का व्यापार शुरू किया, उसमें भी नुकसान हुआ। अब मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं? मुझे रास्ता दिखाइए स्वामी। खेती करो, जय बाबा। उठ जा बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? कल मेरी परीक्षा है स्वामी, कुछ भी करके मुझे पास होना है स्वामी। एक पेन और पेपर लाओ, माता के मंदिर में दीप जलाओ, पास हो जाओगे। चलो शुरू हो जाओ बच्चा, जयकारा शरण वाली का। स्वामी, ये किसी भी तरीके से पास होना है स्वामी। चलो शुरू हो जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी, जरा जोर से नाचिए स्वामी जी। अच्छा ऐसा क्या? रुक जाओ। नमस्कार स्वामी। तुम्हारा नाम क्या है बालक? नित्यानंद स्वामी। तुम मेरी ही बिरादरी के हो, चलो शुरू हो जाओ। चलो बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं। हाँ ठीक है। अरे वहाँ देखो शैल भी खड़ी है। तुम्हें लड़कियाँ बराबर से दिख जाती हैं। तुम चुप रहना, मैं उसको डराऊंगा, देखना वो डर जाएगी। ए ठीक से खा वरना कपड़े पर गिराएगा। ए शैलवी। ए पागल, तू कब आया? अच्छा हूँ, ये मेरी बीवी है और ये दोनों बच्चे। अरे तुमने पिछली बार किसी और लड़की को बीवी बताया था? हमारे बीच में झगड़ा करवाएगी क्या? ये सब चल रहा है, घर चलो बताती हूँ। ये मेरा बेटा प्रभाकर है। अगर मैं स्कूल के दिनों की बात याद करती हूँ तो मुझे महेंद्र और कोमल की बहुत याद आती है। ए, तुम्हें पता है इस समय महेंद्र और कोमल पास में रहते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरा नंबर है, आने से पहले मुझे फोन कर लेना। हाँ ठीक है। क्या देख रही हो? नहीं, वो त्योहार के लिए बुलावा आया था तो हम लोग वहाँ जाएंगे ना। क्या आज तुम्हारा आशिक आएगा इसलिए जाने की बात कर रही हो? मैंने सोच कर देखा, वहाँ जाने से हमारा 3,000 रुपए खर्च होगा, क्योंकि 3,000 रुपए खर्च करना है। मैंने उस त्योहार को यही मनाने का फैसला किया है। कैसा सोचा? आओ तुम मेरा साथ दो, लो लो खाओ। पान पर जरा कत्था चूना और लगा दिया करो, मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है। दादा झूला झूले जाना है, पैसे दो। अरे सुबह से कितनी बार झूले में झूलोगे? झूला झूलकर मेरा सारा पैसा खर्च कर दोगे क्या? ये लो। मामा जी को पैसे दे दिए, हमको झूले के लिए नहीं दोगे क्या? मां मैं आता हूँ। हाँ कहाँ? बताया तो था मैंने। उसके लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पिछले साल वो भाग्य लक्ष्मी का बेटा गया था, बुरी तरह से घायल हो गया था। अरे तो मैं कौन सा खेल में हिस्सा लेने वाला हूँ माँ? अभी तुम मत जाओ, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारा दूसरा बेटा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, समझते हो ना? ये ऐसे भागते हुए क्यों आता है? ए, क्या हो गया उसे? मारू क्या तुझे? ए,
क्या हुआ? क्या बताऊं मामा, गांव के लोगों ने बहुत मारा मुझे। क्या बोल रहा है तू, उनसे मार खा के आ गया? अरे मेरी छोड़ो, अपने गांव और पीछे वाले गांव वालों में झगड़ा हो गया है। बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ मामा। क्या बोल रहा है तू? इस झगड़े की वजह पता है कौन है? वहाँ का गुंडा। पता है तुम्हें मामा, उस गुंडे ने वहाँ बहुत सारे लोगों को पीटा। और तू वहाँ जाने की बात कर रहा है और ये वहाँ से झगड़े से भाग कर आया है? हाँ मैं मार खा के आया, हाँ मैं मार खा कर आया, लेकिन बदला भी लिया मैंने उनसे। उनकी सारी फसल को जला कर आ गया हूँ मैं। बहुत डेढ़शाना समझते थे अपने आपको। ये क्या बोल रहे हो मामा? तुम्हारे मामा ने कभी झूठ बोला है क्या? हेलो, मैं शैलवी बात कर रही हूँ। शैलवी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं। हमको मिले हुए कितने साल हो गए हैं ना? मैं जब भी गांव आती हूँ अक्सर तुम्हारे बारे में सबसे पूछती हूँ, लेकिन तू है कि गांव कभी आती ही नहीं। क्या करूँ, वैसे मेरे पति का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अरे वीरू, गाँव के मेले में मिला था, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। उसी ने नंबर दिया तेरा। क्या बोला उसने? सब कुछ बोला। महेंद्र, महेंद्र की शादी किस गांव में हुई है? महेंद्र, उसकी शादी कब हुई ये तुम क्या कह रही हो? उसके माँ बाप ने कई बार उसकी शादी की बात की, लेकिन हर बार कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। मुझे जब भी वो लोग देखते हैं रोते हुए बस यही बात कहते हैं। क्या शेल्वी, ये तो क्या कह रही है? तुमने उसको छोड़ दिया, इस बात का दुख नहीं है उसे? तुमने उसके साथ जिंदगी बिताने से मना कर दिया, इस बात का दुख है? तुम्हारी वो बेवफाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या कोमल, तू रो रही है क्या? नहीं, तुम बोलो। आज रात में वल्लभ की शादी का नाटक होने वाला है, वो देखकर मैं कल वापस चली जाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ। तुम अंदर कैसे आई? चुपचाप बाहर जाओ यहाँ से। दो शब्द बोलकर चली जाऊंगी महेंद्र। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। महेंद्र प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू बाहर निकल। आखिरी बार कह रहा हूँ कि तू यहाँ से बाहर चली जा, जा, जा। मुझसे बात करने आई है, धोखेबाज कहीं की। हे भगवान, मैंने जो किया वो धोखा था क्या? तू एक धोखेबाज है, दोबारा बताना। सुनो मेरी बात, जब तक ये बूढ़ी जिंदा थी तुम लोगों को उसका सहारा था, अब कौन है देखभाल करने वाला? अब वो भी छोड़कर चली गई है। अपना काम धंधा छोड़कर ये देखूं कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गांव के लोग जब झगड़ा कर रहे थे तो ये उस घायल आदमी का इलाज कर रही थी। सारी खबरें मिलती रहती हैं मुझे, जाने दो। अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए ये सोचकर चुप हो जाता हूँ मैं, लेकिन अब चुप नहीं रह सकता। बस अब और कुछ नहीं सुनना, जल्दी से एक लड़का ढूंढेंगे और उसकी शादी करवा देंगे। अभी हमारी सास को मरे कुछ दिन ही हुए हैं, 3-4 महीने बीत जाने दो, फिर कुछ सोचते हैं। मैं तो चुप हो जाऊंगा, इस घर से एक और अर्थी उठाने की सोच रही हो?
वो बेवकूफ, जब वो बूढ़ी औरत मर गई तो हमदर्दी दिखाने के लिए 10 रुपए की माला लेकर आ गया। ये सब उसकी वजह से हुआ है। अभी माँ को मरे कुछ दिन ही हुए हैं, तुम शादी के लिए क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? आप एक ही बात को क्यों बार बार दोहरा रहे हैं? बूढ़ी को मरे हुए टाइम हो गया है, अभी पहले सगाई कर लेते हैं, शादी तो बाद में भी कर लेंगे। इस घर का अच्छा बुरा सब आप ही देखते हो ना भैया, आपको जो ठीक लगे कीजिए। अब क्या करें कोमल? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा करता हूँ, मैं घर वालों को बोल देता हूँ, फिर मेरे घर वाले तेरे घर वालों से बात कर लेंगे, तेरे घर वाले मान जाएंगे ना? हम दोनों को काट कर नदी में फेंक देंगे, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर कहीं भाग चलते हैं। कब? अभी। अभी नहीं महेंद्र, रात में निकलते हैं। कुछ ना कपड़े साथ में ले लूंगी, और माँ ने सोने की बालियां दी हैं, वो भी साथ में ले लूंगी। अगर खाली हाथ गए तो फिर खाएंगे क्या? अगर तुम ये सब लेकर घर जाओगी तो बहुत बदनामी होगी। मेरे पास 500 रुपए है, हम कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं जाकर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है। अब हम यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे ना महेंद्र? पता नहीं। देखा उसकी हरकत, हम सबको बेवकूफ बनाकर भाग गई है वो। अगर अपने जात के लड़के के साथ भागती तो भी ठीक था, एक नीच के साथ भाग गई है वो। हम सबको बदनाम कर चली गई, जहाँ कहीं भी होगी ढूंढ कर निकालूंगा और उसके पूरे खानदान को मिटा के रख दूंगा, दोनों को जान से मार दूंगा, पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। अब तक हम उसको बच्ची समझ रहे थे, वो कितना बड़ा कारनामा करके चली गई। रो मत, रोने की जरूरत नहीं है, आप लोग चिंता मत करो, जहाँ कहीं भी होगी काट कर फेंक दूंगा उसको और जेल चला जाऊंगा, फिर ऐसा कोई नहीं सोचेगा। पंडित जी सुनिए। हाँ बोलो। हम दोनों शादी करना चाहते हैं पंडित जी। हाँ बेटा, आपके साथ कौन कौन आया है? हमारा कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, जो घर वाले साथ नहीं है शादी कैसे होगी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा, जाओ यहाँ से। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, नहीं मैं पुलिस बुला लूंगा। क्या सभी लोग रहेंगे तभी हमारी शादी होगी क्या? जिंदगी हम दोनों को एक साथ गुजारनी है, तो ये फैसला हम दोनों को साथ लेना है। महीन, तुम अभी मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दो, मुझे अपनी पत्नी बना लो, बांध दो। दुश्मनी चल रही है, इसलिए हम लोग बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में झगड़ा करने के बजाय हम जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो बोलो ना। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों के घर वाले हमारे खिलाफ हैं, अब हम क्या करें?
हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही जीना मरना चाहते हैं। आप हमें बचा लीजिए। हाँ अब तुम बोलो बेटी। वो क्या बोलेगी, दोनों साथ में घूमते हैं ना, वो भी तो वही बोलेगी जो उसने बोला है। ए गांव वालों, तुम लोग इस मामले में दखल अंदाजी मत करो, अपने काम से काम रखो। बेटी, सब लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो बोलो जल्दी। मैं महेंद्र के साथ आगे की जिंदगी नहीं जीना चाहती। फिर तुम इसके साथ क्यों भागी थी? हमारी टीचर की तबीयत खराब है, चलो उनसे मिलकर आते हैं, ऐसा बोलकर ही महेंद्र मुझे वहां लेकर गया था। फिर अचानक बोला चलो यहाँ से मंदिर चलते हैं। मैंने जाने से बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। मंदिर के अंदर जाने के बाद बोला कि चलो यहाँ शादी कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर मैं वहां से भाग गई। सुनो बहन जी, तुमने अपने बेटे की हरकत देख ली ना, अब आगे से संभाल कर रखना। ए महेंद्र, ए तेरे बारे में सोचकर तेरे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं। यार कोमल की शादी को 7 दिन हो चुके हैं। ए तू इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहा है? मैं उससे प्यार करता हूँ यार। पंचायत हो गए कितने दिन हो गए? अगर उसने किसी के दबाव में आकर ऐसा कुछ कहा होता तो किसी से बोलकर वो बताती ना। तू जब एक दिन स्कूल नहीं आता था तो वो उदास होकर बैठ जाती थी, अब तुम्हारे बिना कैसे जी रही है? यार वो कोमल है ना। ए चलते यहां से, अगर उसने देख लिया तो पता नहीं कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी। यार एक बार, बस एक बार मैं कोमल से मिलना चाहता हूँ, एक बार यार प्लीज। कोमल तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? पंचायत में तुमने वो सब क्यों कहा कोमल? तुम इतनी छोटी उम्र में क्या कमाओगे, मेरी देखभाल कैसे करोगे? ये सब कुछ मुझे मेरे मामा ने समझाया, इसलिए और क्या। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या कोमल? मैंने ठीक से सोच कर देखा, जो मामा ने कहा वही करेक्ट लगा बस। और हमारे बीच जो प्यार था वो? पढ़ाई की उम्र में प्यार मोहब्बत जैसी बड़ी बड़ी बातें जिंदगी को खराब कर देती हैं। ऐसा मुझे मेरी छोटी माँ ने समझाया और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और देखो अगर तुमसे बात करते हुए मेरे पति ने देख लिया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं अपने पति को कह दूंगी। Excuse me, देखिए मैं मीडिया में काम करता हूँ, मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है। सर अभी कोई किसी से नहीं मिल सकता सर, विजिटिंग आवर में ही मिल सकते हैं, अभी आप यहाँ से जाओ साहब, बात को समझो। हम लोग पब्लिक नहीं प्रेस वाले हैं। सर आप प्रेस से हो सकते हो, अंदर जो है वो पेशेंट है। हाँ बात को समझने की कोशिश करो, अभी जाओ यहाँ से। हमें जाने दोगे? नहीं जाने दूंगा, क्या कर लोगे? यार कोई बात नहीं, विजिटिंग आवर्स के लिए भी 20 मिनट बाकी है ना, हम बाद में मिल लेंगे। चल बाहर चलते हैं, अब इसके क्या मुंह लगना है। अच्छा कैसे आदमी थे वो, जरा भी अकल नहीं उनमें। अरे छोड़ ना उसे, जाने दे यार, ऐसे लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं, अगर मैं पैसा देता तो मुझे अंदर जाने देता। सुनो हम लोग तो यहाँ पर आ गए हैं, पर पता नहीं वो वहाँ पर गाय बकरियों का ठीक से ध्यान रखता होगा कि चाचा नहीं। जी पता नहीं क्या होगा। कैसे हैं आप चाचा जी? कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। अरे मैं कोमल के साथ पढ़ता था, महेंद्र। हाँ कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। और तुम्हारे पिताजी भी ठीक है ना? पिताजी भी ठीक है। आप लोग यहाँ पर कैसे? पेट में बहुत सूजन हो गया था बेटा, मैं बहुत परेशान था, बहुत दर्द हो रहा था, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने पास के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यहाँ भेज दिया।
ऑपरेशन कब? लोगों को आकर एक महीना हो गया बेटा, कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन करेंगे। अब हम लोगों को ऐसे ही वापस गांव जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, देखभाल करने के लिए मैं हूं ना। तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अरे तकलीफ की क्या बात है, शादी वादी हो गई बेटा? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। ये तुम क्या कह रहे हो, उम्र के साथ साथ शादी करनी जरूरी होती है। आप तो जानते ही हैं, उस दिन पंचायत में कोमल ने मुझ पर आरोप लगाया था, तब से मैं। उसकी बात छोड़ो, मुझे तो खुद भी उन लोगों की बात पसंद नहीं है बेटा, इसीलिए तो उस गांव में पैर नहीं रखता मैं। जब से कोमल ने मुझे ठुकराया है फिर शादी करने का मन ही नहीं हुआ, शादी के नाम से मुझे नफरत हो गई है। उस लड़की ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, कोमल तो हमारे खानदान में एक देवी की तरह है बेटा, उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। हराम खोर, हमारी नाक कटवा दे रही है। यही चाक रहा है। निकली दिखाने। बाद में तुझे जान से मारूंगा। क्यों मार रहे हो? छोड़ो। क्यों मार रहे हो? छोड़ो। हटो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसका साथ दे रही हो? आज तुम ऐसे जान से मार रहे हो? खबरदार, अब दोबारा हाथ उठाया तो। दोनों ने शादी कर ली तो तुम्हें क्या तकलीफ है? लड़की ने क्या गलत किया है? उस लड़के में क्या कमी है? भिखारी से शादी करवा दूंगा, लेकिन उस गांव के निकम्मे लड़के से इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर को किसने संभाला पता है ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो महीने में एक बार आते हो और चले जाते हो, लेकिन यहाँ जो लोग तमाशा बनाते हैं वो मैं देखता हूँ। मैंने इतनी तकलीफ से इसे पाल पोष कर बड़ा किया। अब कोई गलती नहीं करेगी। तुम तो अपनी जुबान बंद ही रखो, माँ के हाथ में होता है लड़की को क्या बनाए, एक सावित्री या एक वैश्या, तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ा है। क्यों ये सब बोल रहे हो, मेरा नसीब ही खराब है। शुक्र करो वो लड़का अच्छा है, जानने के बाद भी कि किसी के साथ भागी थी, उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। जो किसी के पास सो कर आई हो उससे कौन शादी करेगा? आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं उस गांव की लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। लड़ा के मुझे मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार कर अपनी खानदान की इज्जत बचाऊंगा। क्यों जिंदा चलाओगे, तुम मेरे बाप हो या मेरे बाप के साथ पैदा होने वाले भाई हो? चुप रहो, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। जाओ करो अपनी मनमानी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे समझा रहे हो? मैं तुम सबको काट के फेंक दूंगा। मैं खुद ही इस घर से चला जाऊंगा, अब मैं दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ गए? ध्यान रखना। सुनिए जेठी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप यहाँ से मत जाइए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरे लिए बैठ जाइए। ये सब तेरी वजह से हुआ, मैं तुझे जान से मारूंगा। छोड़ो उसे, छोड़ो, दूर हटो, क्यों मार रहे हो उसको? बच्ची को लेकर आप भी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हो? नहीं रहना मुझे यहाँ पे, मैं कह रही हूँ नहीं रहना, हम जा रहे हैं। तुम मुझे जिंदा जलाना चाहते हो ना, तुम क्यों जलाओगी? अरे मरने दो इसको, ऐसी हराम बोल रहा हूँ, जाने दो। बेटी ऐसा नहीं करते, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। ये लो पी लो, ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं पिला रहा हूँ कि तुम लोग पी के लुढ़क जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कल पंचायत में वो लड़का मेरी भांजी से प्यार मोहब्बत शादी की बात करे और मेरी भांजी भी उसका साथ दे, अगर ऐसी नौबत आ गई तो तुम लोग उसको काट कर फेंक देना। मेरे घर वाले और गांव के वो पंचायत वाले, अगर सब लोग उनका साथ दें तो भी हमें उसकी औकात बतानी है, चाहे कोई भी नौबत आ जाए, हमें किसी से डरना नहीं है, उसको वहीं काट के फेंक देना है। इसकी चिंता आप मत करो, हम सब देख लेंगे। ठीक है, सब समझ गए ना? मैंने खुद सुना है, कल वो पंचायत रखने वाला है, उसमें आपके बेटे को खतरा हो सकता है, वो मार भी सकता है, ध्यान रखिएगा अपने बेटे का। लगता है सब सो रहे हैं। कोमल की माँ, कोमल की माँ, आप लोग यहाँ इस वक्त ऐसी कौन सी बात करने आए हैं? भीगे हुए कपड़े बदले बिना ऐसे ही सो रही है कोमल? बेटा कोमल उठो, क्या हुआ माँ? ये लड़की के माँ और पापा आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं।
वो बाहर खड़े हैं, जाके उनसे मिल लो। आप लोग बात कीजिए, मैं जरा भाई पर नजर रख रही हूँ। ठीक है बहन। हम महेंद्र के माता पिता हैं। मालूम है, इंसान अगर जिंदा रहे तो जीवन में कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है, लेकिन मरा हुआ इंसान जिंदा हो ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। दुनिया में अगर सब अच्छे इंसान हो तो किसी को भी इस तरह से डर के जीने की नौबत नहीं आती, लेकिन अभी हम तुम्हारे पैर पर गिरकर रोने आए हैं। अभी अपना दिल बड़ा रखकर मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। अगर पंचायत में तुमने सबके सामने कह दिया कि तुम उसे प्यार करती हो तो कल के बाद मेरा बेटा नहीं बचेगा, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे मामा ने मेरे बेटे को मारने के लिए गुंडे तैयार करके रखे हैं। अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी बचाओगी, मुझे वचन दो। हम कम से कम इस उम्र में शांति से मर तो सकेंगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने एक खूनी से शादी कर ली बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी जान बचा ली, उसका कोई दोष नहीं है बेटा। मरते दम तक तुम्हारी बाहों में जीना चाहती हूँ बहन। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? खाना खा रहा था क्या? अच्छा, कोमल ने तुम्हें परेशान किया क्या? मैंने उसे वार्निंग दिया है कि पुरानी बातों को मत दोहराओ। कोमल का जो पति है वो ठीक आदमी नहीं है। जरा उससे संभल कर रहना। तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अच्छा होगा तुम कहीं और रूम देख लो। मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बच्चे लोगों से मिल भी नहीं सकता। मैंने ये सोचा है कि थोड़े से पैसों के लिए क्यों अपने बच्चों से दूर रहूं, इसीलिए मैंने इधर ही काम करने का फैसला कर लिया। क्या हूँ कर रहा है, खाना खाने के बाद मुझे फोन करना, अभी फोन रख रहा हूँ। ठीक है फोन रखता हूँ। क्या हुआ जी? तो क्या हुआ? मुझे जान से मार देना चाहिए। साथ में रहकर मुझे धोखा दे रही है, कितने सालों चल रहा है सब। उस दिन जब मैंने उस दिन ऑफिस में कॉफी के बारे में पूछा तो उसी दिन शक हो गया था मुझको। धोखेबाज, सच बता, वो ये ना तेरा बचपन का पति?
पड़ोस में रह के उसके साथ मौज मस्ती कर रही है तू, हैं? आने दे उसको, वो रहेगा या मैं रहूंगा उसके बाद तुम्हें दिखाता हूं गिरी हुई औरत। एक साल नहीं, दो साल नहीं, पूरे 10 साल मैं तुम्हें गलत समझता रहा। तुम बेगुनाह हो कोमल, मेरी जान तुमने बख्शी है और उसके बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत दी। इन लोगों ने हमें क्यों अलग कर दिया? हमने जो प्यार किया, क्या वो समाज के लिए गलत था? अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा कोमल। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा सामना करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। भैया, भैया कुछ खाने को दो ना भैया, भैया भैया कुछ खाने को दो ना भैया। अरे ये बाहर भीख मांगते हुए देखा भाई। इनकी बदनसीबी देखो, ये लोग कहां जाकर मरे हैं। अरे महेंद्र, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढने गए थे, तुम नहीं मिले तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। पेपर में न्यूज छपा है। हम लोग इतना बोल रहे हैं, ये खामोश है। ये भी पागल हो गया। हाँ, क्या पता हो गया होगा। देखो पागल बैठा है, मारो उसको। ये इसे जमीन पर क्यों सोया है? चटाई बिछा लेना चाहिए ना। ऐसे क्यों सो रहे हो बेटा? उठकर खाना खाके सो जाओ, भूखे पेट नींद नहीं आती। ए शेल्वी, अरे उधर बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा। आ, कैसी है तू? हाँ ठीक हूँ, चल बैठ जा। अच्छा तुम्हारे बच्चे तो अच्छे हैं ना? हाँ। क्या हुआ, तू उदास लग रही है? घर में कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे किस बात की कमी? कुछ भी तो नहीं।
मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? महेंद्र था ना? तुझे पता है कहाँ है वो? तुझे मालूम है उसकी आज हालत कैसी है? उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो आज मंदिरों के सामने भीख मांगता है। तेरी शादी के बाद तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई, पागलों की तरह घूम रहा है। मीटिंग के लिए आई थी, शाम की बस है, मैं चली जाऊंगी। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन तुम घबराओ मत, वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा कोमल। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ए कोमल, ए दरवाजा खोल। वहां जाकर बैठो। ये लो खाना खा लो। तेरा कोई भरोसा नहीं, तूने खाने में जहर मिला दिया होगा। मेरे साथ सो जा। क्या हुआ? मेरे साथ सोना तुझे अच्छा नहीं लगता? मुझसे दूर क्यों भाग रही है? वही पसंद है क्या? मैं नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। मन की बात कौन कर रहा है, मुझे तेरा शरीर चाहिए। आज तू गई। उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ छुपा रखा है तुमने उसको? मुझे नहीं पता, मुझ पे भरोसा करो। ए, मैंने तुझसे भरोसा करके शादी की थी, क्यों? लेकिन तूने मुझे धोखा दे दिया। मैंने उसी दिन कहा था मत करो शादी। जबान लड़ाएगी तो गला काट दूंगा तेरा। नहीं हाँ छोड़, वो सब डर कब का निकल चुका है। 10 साल होगा हमारी शादी को, तूने एक बच्चा भी करके नहीं दिया। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। दिमाग से सोच कर देखो कि बच्चा पैदा करने की औकात किसकी नहीं है। अच्छा, मुझे नामर्द कर रही है? वो अखबार वाले मर्द के साथ सो रही थी, फिर उस अखबार वाले का बच्चा क्यों नहीं हुआ इतने सालों से? एक के साथ शादी करके दूसरे के साथ सो, ऐसी नीच नहीं हूँ मैं। और अगर ऐसी होती तो अब तक 100 बच्चे पैदा कर चुकी होती, समझे? तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। अरे इसकी आंखें देखो, ऐसा लग रहा है जो मर गया है उसका भूत इसमें आ गया है। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। बोलती हूँ स्वामी जी, बोलती हूँ।
मैं जहाँ जी रही थी वहाँ जाकर बताती। वहाँ जाकर बताओगी? वहाँ जाकर सच बताओगी ना? सच बताऊंगी। सब लोग यहीं रुको, तुम लोग वहां मत जाओ। कोमल बेटा, हम जैसे प्यार करने वालों को कोई परेशान ना करे, इसीलिए ये झूठी अफवाह फैलाई गई है ताकि कोई यहाँ पर आ ना सके। अंदर मत जाइए, वहाँ पर भूत है साहब। क्यों? पहले तेरे को उठा के अंदर डालूंगा। अरे सुनिए जी, मेरी बेटी के ऊपर भूत आ गया, मुझे उससे मिलना है। मेरी बेटी को भूत नहीं पकड़ा है, पागल हो गई है वो। अपने पति को मारकर भागी और ये लोग कह रहे भूत पकड़ लिया है। तुम लोग तो कह रहे थे भूत पकड़ा, यहाँ तो दो लाशें पड़ी है, कहाँ गया भूत बताओ? कोमल बेटी, ये क्या हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? कोमल बेटा, ए, तुमने ये गांठ क्यों बांधी? तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रह सकूं, इसलिए ये गांठ बांधी है। कोमल बेटा, बेटा उठ जा कोमल। ये क्या हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या कर लिया इसे? तुमने मेरी बेटी को मार डाला, तुमने ही मार डाला, तुमने। ये सब मेरी वजह से हुआ।